नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब इसके पहले का जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 14 में, तो 14 में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेंथ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कितना 1 मीटर एंड स्पीड कितना दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड एंड इसका जो मास दिया है वो 100 ग्राम का, मतलब 0.1 kg। तो अब इसमें क्या बोला, सपोज द बॉब इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 0.20 रेडियन विद द वर्टिकल, मतलब 14 में तो क्या दिया हुआ था सिचुएशन इस तरह से कि जब ये लोएस्ट पॉइंट पे था, है ना, जैसे 14 में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था लोएस्ट पॉइंट पे था तब ये स्पीड इतना था, लेकिन 15 में यही अब क्या बोला है कि स्पीड उतना ही रखना है, कितना, दैट इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड ही रखना है। बट इस बार जो सिचुएशन है वो क्या है कि ये जो एंगल बना रहा है वर्टिकल से, दैट एंगल इज वॉट 0.2 रेडियन। अब ये रेडियन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडियन में भी आप रहने दो। अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो इसे क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे डिग्री से आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ ये जो एंगल है वो कितना लार्जर है या कितना स्मॉलर है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.2 × 180 दैट इज इक्वल टू 36 / पाई का मतलब 3.14। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 11.46, है ना। तो स्मॉलर एंगल की कैटेगरी में ही आ रहा है, है ना, मतलब एंगल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं और क्या बोला है, बोला व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 0.2 रेडियन विद द वर्टिकल फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट पे जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वैल्यू आपको बतानी है, और यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेशंस यूज करने के लिए बोल दिया है, है ना, फॉर स्मॉल थीटा, मतलब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू क्या लेने वाले हैं, स्मॉल में कंसीडर करने वाले हैं। वैसे तो जनरली हम लोग को क्या बोला जाता है कि अगर लेस देन 5 डिग्री है तभी हम लोग ये वाला अप्रॉक्सीमेशंस यूज करेंगे, लेकिन अब चूंकि मेंशन कर दिया यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस यूज कर सकते हैं। तो चलिए टेंशन की वैल्यू निकालना, इसके पहले वाले सवाल में भी टेंशन ही निकालना था, यहाँ पर भी टेंशन ही निकालना है। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बना लेता हूँ मैं। एक तो लग रहा होगा किधर, एम जी नीचे की तरफ, तो एम जी का अगर कंपोनेंट निकालूँ मैं तो ये एंगल अगर 0.2 रेडियन है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 0.2 रेडियन, है ना, और ये हो गया 0.2 रेडियन। तो एक तो कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 0.2 रेडियन, ठीक है, एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा कितना, एम जी साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना, 0.2 रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 − θ² / 2। तो अब तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि जब भी अप्रॉक्सीमेशंस यूज करते हैं हम लोग, जैसे साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये थीटा डिग्री में नहीं होती है, बल्कि ये थीटा किस में होती है, तो आंसर इज ये रेडियन में ही होती है। तो थीटा रेडियन में होना चाहिए तभी हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, उसी तरह से कॉस में भी है, तो ये रेडियन में ही होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे जो हमने लिखा है वो रेडियन में ही है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम जी इंटू कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली 1 − θ² / 2, दैट मीन्स 1 − θ की जगह पे 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियन में, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, डिग्री में मैं नहीं लिख सकता, मतलब यहाँ पे मैं 11 का यूज नहीं करने वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैलकुलेशन सब कुछ निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मास की वैल्यू 0.1 kg दिया हुआ था, है ना, इसके पहले वाले सवाल में, तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जो टोटल निकल कर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, एंड
इसमें से 0.98, तो ये जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना है 0.98, और सब कुछ SI यूनिट में रखा है तो ये न्यूटन आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो अगर सेंटर की तरफ मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं फिर से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये हो गया टेंशन टी इधर, और एक MG का कंपोनेंट इधर था, ये कितना था 0.98। तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। वी की वैल्यू कितनी आई थी 1.4, ये पहले से दिया हुआ था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर्कल में चल रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आंसर इज जो सेंटर के अलॉन्ग जो फोर्सेज है, सेंटर के अलॉन्ग कौन से फोर्सेज है, दो फोर्सेज है ना। हालांकि MG का एक कंपोनेंट इधर भी है, बट इससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है इस इक्वेशन को लिखने में। मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ कौन सा, इसको मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस, ये वाला जो ये वाई एक्सिस मान रहा हूँ, और ये मान रहा हूँ क्या, एक्स एक्सिस। तो अभी मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी माइनस 0.98 नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, MV स्क्वायर अपॉन R। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ पता है, टी माइनस 0.98 इक्वल टू M की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है ना पहले, 0.1 इंटू V की वैल्यू 1.4 है इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑलरेडी गिवन है 1 मीटर, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर दिया हुआ, तो 1 मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, तो टी डायरेक्टली यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1.4 का स्क्वायर 1.96 इंटू 0.1, तो 0.196 एंड प्लस 0.98, तो ये लगभग निकल कर आ रहा है कितना, टेंशन की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है 1.176 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1.17 भी लिख सकते हैं, और आंसर में दिया है 1.16, तो अप्रॉक्सीमेटली सही है ना। यहाँ पे आप जी की वैल्यू अलग ले सकते हो तो उससे भी आंसर एग्जैक्ट आ सकता है। तो ये था, अच्छा यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, टेंजेंशियल वाले की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, तो इसलिए मुझे सिर्फ इससे ही काम चल गया। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।